राम सत श्री अकाल प्रणाम स्वीकार करो। साथियों, इस आंदोलन की देर क्या है और हमें आंदोलन लड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि 70 साल से हमारी लूट होती आ रही है और हर कोई कहता है राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं, लेकिन जो पार्टी आज हम पे राज कर रही है वो इन सब की गुरु है, इन सब की आका है। इसके जितना कोई भ्रष्टाचारी, शरकपटी, छातिर, चतुर, चलाक कोई भी शब्द ले लो आप, सभी कड़ा संपूर्ण है आपको खत्म करने के लिए, आपको मारने के लिए। साथियों, इस आंदोलन को इतना लंबा समय हो गया चलते हुए, तो ये तो हमें मान लेना चाहिए कि जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, बीजेपी में उनको खरीदने की औकात नहीं रही, उन्होंने पूरा जोर लगा के देख लिया। इसलिए हमें संयुक्त किसान मोर्चा पर पूर्णतः विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और हमें ध्यानपूर्वक सोचनी चाहिए, और मैं बोल रहा हूं साथियों, इसमें आत्म मंथन करना जो मैं कह रहा हूं क्या वो सही है भी कि नहीं, हमारी लूट क्यों हो रही है? क्योंकि हम विचार के साथ नहीं जुड़ते, आदमी के साथ जुड़ते हैं। हमारे संगठन में जो तय किया गया है, हमारे संगठन में कभी ये नारा नहीं लगता राज्यों तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, पूरा बैंड है। संगठन संघर्ष करेगा, जनता संघर्ष करेगी, जिस दिन एक आदमी बड़ा हो जाएगा आपको खड़े खड़ो के बेच जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है, मुद्दा संयुक्त किसान मोर्चा जो कहेगा, हमें संयुक्त किसान मोर्चा की माननी चाहिए और मानते आए हैं। जो आदमी संयुक्त किसान मोर्चा की ना मानकर खुद को बड़ा समझे वो आंदोलनकारी नहीं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकता है। आज तक हम अपने घरों में एमएलए को बुला लिया, मंत्री को बुला लिया, मिनिस्टर को बुला लिया, काजू खिला दिया, बादाम खिला दिया, साथ ही फोटो खिंचवा ली, हमारा मनोरथ पूरा हो गया। आजकल हमने राजनीतिक लोगों पर बैन लगा रखा है, पर हमें तो आदमी चाहिए फोटो खिंचवाने के लिए। आज हम किसान नेता अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या बदला है? सोचने वाली बात है ना, मेरे सिर पे सींग है ना आपके सिर पे सींग है, ना बड़े नेताओं के सिर पे सींग है। तो विचार के साथ रहेंगे तो निश्चित जीतेंगे, अगर आप भी बड़े करने लग गए तो हम छोटे होते जाएंगे जैसे पहले छोटे हो रहे हैं। इसलिए साथियों, हौसला, सबर, एकता और विश्वास। आपके पास कोई सूचना पहुंचती है, किसी लीडर के खिलाफ पहुंचती है, तोहमत लगाई जाती है, कम से कम सबसे पहले आप अपने अंदर सवाल उत्पन्न किया करो, भैया तो कहा था, कैसे कह दिया, क्या कारण हो सकता है? जो किसी ने कह दिया उसके पीछे चल दिए, इसी कारण आज हमारा यह हालात हो रही है। विशेष तौर पे मैं सरदार भाइयों को कहूंगा, गुरु नानक देव जी कह के कैसी गए, कलयुग ठगाना होगा, ठगिया कौन जाऊंगा, जेड़ा विश्वास करूंगा, अभी विश्वास ही करते आए हैं, किंतु करना छटता, सवाल करना छटता, जितने किंतु करने लग गए, सवाल करने लग गए, फॉरवर्ड हो चुका भी जावा कितना। इस करके इन बेनतियां प्रवान करो, समय घट है, साथी होर बोलने वाले है, कन्वेंशन है, अंत द्वारा बेनती करना भी लो, पवित्र आंदोलन है, नस्लों को बचाने का आंदोलन है, फसलों को बचाने का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है। साडा लीडर संयुक्त किसान मोर्चा पहली बारी एक समूह आंदोलन लड़ रहा, बंदा नहीं लड़ रहा, तो इस आंदोलन जित के घर आवेंगे, एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून बनवा के आवेंगे, तीन काले कानून वापस करा के आवेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जनता, जय सुदर्शन।